31,000 रुपये, डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा, ये चीजें उसमें टम हो मिले। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। ठीक है, संभालो जी। पैसे 30,000 रुपये कन्यादान की है। एक डबल बेड है, डबल बेड के गद्दे हैं, संदूक है, अलमारी है, सिलाई मशीन है, 51 बर्तन है। लिखने की जरूरत ना है तो वो आपने दिक्कत आगे लेते हो गया। चलो ठीक है, फिर आप बताइए। ठीक है, 31,000 रुपये, डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा, ये चीजें उसमें टम हो गई। बड़ी मेहरबानी जी आप। ठीक है, संभालो जी। पहलवान जी बड़ी मेहरबानी। ये छोटा वो था। हाँ। और आपका क्या खावा खाना? रोटी ले लीजिए जी। टम्पू खाली करवा दो। दे दे जी 100 रुपए। हमारा नाम से ज्यादातर जानते हैं लोग। जुआ गांव में एक गरीब बेटी की, जरूरतमंद बेटी की शादी थी। उस शादी में वो उसको निमटा आए हैं, जिसके अंदर जो सामान दिया गया वो आप सभी साथियों को बता दूं। एक डबल बेड, एक संदूक, एक अलमारी, एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा, डबल बेड के दो गद्दे और 31,000 रुपए नगद कन्यादान। बाकी भाई जो जुआ गांव है, जुआ गांव की तरफ से बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त समर्थन रहा, बहुत बढ़िया प्यार रहा उनकी तरफ से, अलग से सहयोग, अलग से कन्यादान और जरूरत की सारी चीजें उस बेटी के लिए प्रोवाइड कराई। जो हमारे को जुआ गांव से प्यार मिलता है उसके लिए जुआ गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे को अपना बेटा अपना भाई समझते हैं और हैं भी भाई, क्योंकि हमारा ही गांव है, कोई बाहर का गांव तो है नहीं। आप सभी साथियों को बता दूं, एक बारी वे साथी ध्यान से सुन ले जो जो शादी की पोस्ट डलते ही हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं या मदद करते हैं। एक बारी सारे साथियों से विनती, शेयर करते रहे। नीचे शेयर का बटन होगा, उस पर आप जाओगे तो वहां से सभी ग्रुपों में इसको शेयर करने का काम करें। 1,000 रुपये जयसकरण सिंह, हंसु माजरा, कैथल, 1111 जय हुडा, घुसकानी, रोहतक, परमानेंट डोनर है मेरा भाई। 2100 रुपये आशीष अग्रवाल, मेयर है हिसार से। 1,000 रुपये सोनू हुडा गोची, 500 संदीप कश्यप, 1100 मंगाली लाल परबतसर नागौर, ये भी परमानेंट रुपए देने वाला मंगाली लाल भाई नागौर से। 2100 मजीद खान सुजानगढ़ चूरू, 5100 दिनेश कुमार माजरा रेवाड़ी, 1100 सुमित गोवाणा, 1100 सतवीर शर्मा कुगल झज्जर, 1100 मुकुल जिंदल द्वारका मेरा भाई है। 21,000 रुपए अनिल दैया फरीदाबाद से, अकेले भाई ने 21,000 रुपए का सहयोग किया। मेरे भाई को दिल की गहराइयों से सैल्यूट, धन्यवाद। 1100 प्रदीप सांगवान तारानगर चूरू, 2,000 नवीन मारवाल सूरतगढ़, 2,000 तवर बुरा शाहबाद, 1100 प्रवीण सोनी पालम, 2,000 चिन्नू बैसला गुज्जर, 1100 रविंदर धर्मास ट्रस्ट कमला नगर रोहतक, परमानेंट डोनर है ये भी। 1100 इमलाल, 500 अनिल बाबरिया गोरखपुर, 11,000 पवन कुमार फौजी आर्मी बुवाना जींद, फौजी साहब सैल्यूट आपको। 2,000 कुलदीप शर्मा मोरी जागरी करनाल, 1100 प्रदीप राणा गुड़गांव, 2,100 विक्की चौधरी पटवा भादरा, 1100 विकास बिश्नोई जोधपुर, 2,000 सन्नी जवार फरीदाबाद, 1100 मुकुल जिंदल द्वारका दिल्ली, 2,100 अजय सांगवान अम्बाड़ा, 1100 राकेश सियोल भोपालगढ़, 5100 सुमित जांगड़ा जिनका भगत सिंह के नाम से ट्रस्ट है, हर बार मेरे भाई देते हैं, परमानेंट डोनर है ये भी सुमित जांगड़ा जो भाई हमारा छोटा है दिनोद का रहने वाला है। 1100 रवि बांबू,
लिखवा पिलानी 1100 संजू वर्मा सापुर हिसार 1100 विजय फौजी मुजफ्फरनगर 1100 अंजय फौजी कोटा कासिम अलवर 1100 केशव खरबंदा रोत 1100 हेम शर्मा सोनीपत औरंगाबाद। हेम शर्मा भी भाई परमानेंट डोनर है। 2100 अजय गुड्स ट्रांसपोर्ट गुड़गांव ये भी परमानेंट डोनर मेरा भाई। 1100 रिकू माजरा रेवाड़ी 1100 देव चौधरी राजस्थान टूर ट्रेवलिस्ट जोधपुर 1100 अजय यादव रामपुर चेन्नई में ट्रांसपोर्ट का काम है भाई का ये भी परमानेंट डोनर है। 1100 टीम हरस शिकारा आसी 1100 हैदल राणा माजरा पानीपत 1000 विनीत नैना ततारपुर ये भी परमानेंट डोनर मेरा भाई विनीत नैना ततारपुर वाला। 1100 महेंद्र सिंह मलिक 1100 प्रदीप स्वामी पुणे सागरपुर भिवानी। अच्छा अब हमारे कामों को देखते हुए हमारा अपना गांव है पीपली दमल फौजी भाई साहब समाज सेवी जो हमारे साथ शादी में भी थे। फौजी साहब के गांव से हमने जब आखिरी जो शादी करी थी उसको देख के उन भाइयों ने ये कहा था अर्श भाई हम भी ऐसे ही कुछ काम करेंगे। वहां उस गांव के अंदर गरीब कल्याण संस्था नाम से एक वो ट्रस्ट बनाया है एक लक्ष्य एक सेवा। इन्होंने जो गरीब कल्याण संस्थान नाम से ट्रस्ट है ओकी भाई है 10,000 रूपये भाई साहब की तरफ से कन्यादान में और 5100 रूपये टीम एक लक्ष्य केवल एक सेवा की तरफ से 2100 खरखोदा मंडी सुमित टीम की तरफ से। मैं फौजी साहब स्वयं इन पैसों को लेके आए थे। इससे दूसरा आप सभी साथियों को बता दूं भाई मैं भी खुद परेशान हो गया हूं बार बार ही सोशल मीडिया पाऊं आप लोगों के सामने बात रखूं आप लोगों से ये कहूं अग भाई पैसे दे दो पैसे दे दो। मैं ये मदद दे इस मारे करता हूं इस मदद का दिखावा इस मारे करता हूं कि आप लोग अपने गांव में जागरूक हो आप लोग अपने गांव में पैसे इकट्ठे करो आप लोग अपने गांव में पैसे इकट्ठे करके अपने गांव के काम में लगाओ। मारा भी पेंडा छुट जाएगा हमने भी ये हो जाएगा मार पर कोई मदद मांगने वाला नहीं है। जी घबरावा है 1000 कोल डेली आवे है तो उनमें 100 कोल तो होती है शादी वालियों की भाई मारी भी शादी हमारी भी शादी हमारी भी शादी है। उससे अलग जो 900 कोल आती हैं उन 900 कोल में कोई बीमार है कोई इलाज के लिए किसी न किसी चीज के लिए यानी कि 97% 97% आदमी पैसे मांगने के लिए ही कॉल करते हैं मदद मांगने के लिए। भाई मैं कोई पीएम नहीं हूं मैं कोई सीएम नहीं हूं मैं इतनी सबकी मदद कर दूं मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 मदद कर पाता हूं बाकी जो 998 आदमी हुए मेरे को खाली गालियां देने का काम करते हैं। हमने मदद के लिए फोन करी थी बनिया फरे समाज सेवी मारी तो ना करी और फिर वे आदमी हरस शिकारा के बारे में डंडोरा पीटा हरस शिकारा ड्रामे कर रहा हम जाना हमारी मदद न नाट गया यार रिकॉर्डिंग सुन लियो हमारी तो ना करी मदद। आप सभी साथियों को बता दू भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जितना बड़ा आप मेरे को सोच रहे हो मैं उतनी ही मदद करता हूं जितनी मेरे बस की है मैं उसी काम के लिए हां करता हूं जो मैं कर सकता हूं जो मेरे काबू का नहीं मेरे बस का नहीं मैं क्यों कर दू। हां मैं जिस गांव में मदद के लिए जाता हूं मेरी कोशिश यह रहती है भाई उस गांव के आदमी कुछ हमारे से और ज्यादा सीखा मुन तक सीखा सीखना सिखाना ही जिंदगी है और उस चीज तक सीख लेकर उसी गांव के अंदर अच्छी सी टीम बनाए भविष्य में जितनी मदद दे हो उसी गांव की टीम अपनी बेटी की अपने बेटे की अपने भाई की अपने गांव की मदद करे।